सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बढ़नी चाफा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मी कविता यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के सभी सीटों को जीतने का स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया। लक्ष्मी कविता यादव को जिताने की जनता से अपील की। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिसका पहला इंजन खराब हो वो दूसरे तीसरे इंजन की क्या बात करते हैं। भाजपा के लोग दलित पिछड़ों को ठगने का काम कर रहे हैं और जनता इनको इस बार जवाब देगी। सभी सीटों पर सपा जीत हासिल करेगी। सबसे बड़ी खाई तो पैदा कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। आज पूरे देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर गोली चला रहे हैं, धर्म के नाम पर FIR कर रहे हैं, जात के नाम पर दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। आज दलितों पिछड़ों और मुसलमान समाज के ही घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अपराधी तो सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री के समाज वाले होते हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई न बुलडोजर चला न किसी पर गोली चली। लेकिन अगर कोई दलित समाज से है, यहाँ कोई पिछड़े समाज से है या कोई अल्पसंख्यक समाज से है, तो उसके यहाँ बुलडोजर भी चढ़ता है और गोली भी चलती है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।